करने की बात है। आपको मालूम है ना कहाँ जा रहे Sam. तेरह चौदह साल के तब से अमीन साहब को सुन रहे हैं और उनकी वजह से हम लोगों का बचपन बहुत अच्छा गुजरा और संगीत की जांच पड़ताल और अच्छे गानों को सुनना और उनकी राय गानों की लेके देख के बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो एक साथ मुझे इतने सारे गाने सुनने को मिलते थे बिना का गीतमाला के, तो मैं तबला लेके बैठता था तो जब गाने आते थे तो उनके साथ मेरा रियाज होता था क्योंकि अलग अलग गाने के साथ अलग अलग बजाना होता है। तो और
उन गानों में जो जान होती थी वो तो थी, लेकिन जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता है कि आप ना सिर्फ उनकी आवाज़ सुन रहे हैं बल्कि पूरा सीन देख रहे हैं, उनके लफ्ज़ पूरा सीन आपके सामने रख देते थे। तो ऐसी वॉइस, ऐसा मतलब अनाउंसर, ऐसा एंकर उनके बाद हमको नसीब नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जो उन्होंने हमको दिया और जिसकी शुरुआत और नींव उन्होंने रखी उसको आगे ले जाने के लिए कोई और आएगा। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.